नमस्कार किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं। आज हम बात करेंगे 55 एचपी कैटेगरी के तीन सबसे बेहतरीन ट्रैक्टर्स की, और आज के इस वीडियो में कंपेयर करेंगे जॉन डियर 53-10 गियर प्रो, मेसी फर्ग्यूसन 9500 स्मार्ट और न्यू हॉलैंड 3630 स्पेशल एडिशन का। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में इन ट्रैक्टर्स के सभी फीचर्स, इनकी कीमत, इंजन और टॉर्क, बैकअप टॉर्क आदि सभी महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए, और इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल खेती किसानी को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियोज़ की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो किसान साथियों, सबसे पहले बात करेंगे तीनों ही ट्रैक्टर के लंबाई, चौड़ाई और टोटल वेट की। अगर बात की जाए लेंथ की, तो आपको जॉन डियर के अंदर 3535 mm की लेंथ मिलती है, वही मेसी फर्ग्यूसन 9500 के अंदर 3674 mm की लेंथ मिलती है। वहीं बात की जाए न्यू हॉलैंड की, तो इसके अंदर 3490 mm की लेंथ मिलती है। किसान भाइयों, अगर बात करें इनके व्हील बेस की, तो आपको जॉन डियर के अंदर 2050 mm का व्हील बेस मिल जाता है, वहीं मेसी के अंदर 1980 mm का व्हील बेस मिल जाता है। अगर न्यू हॉलैंड की बात की जाए, तो इसके अंदर 2040 mm का व्हील बेस मिल जाता है। किसान भाइयों, अगर बात कर ले टोटल वेट की, तो जॉन डियर के अंदर 2110 किलोग्राम का टोटल वेट मिलता है, वहीं मेसी के अंदर 2560 किलोग्राम का टोटल वेट दिया हुआ है। अगर बात की जाए न्यू हॉलैंड की, तो इसके अंदर 2220 किलोग्राम का टोटल वेट मिलता है। किसान भाइयों, अब जान लेते हैं इन ट्रैक्टर के इंजन कंपैरिजन के बारे में। अगर बात करें जॉन डियर की, तो इसके अंदर आपको 55 एचपी का इंजन मिलता है, वहीं मेसी के अंदर 58 एचपी का और न्यू हॉलैंड के अंदर 55 एचपी का इंजन दिया हुआ है। अगर बात करें इनके इंजन आरपीएम की, तो जॉन डियर के अंदर 2100 इंजन आरपीएम मिलते हैं, वहीं मेसी के अंदर 2200 इंजन आरपीएम, और अगर न्यू हॉलैंड की बात करें, तो इसके अंदर 2300 इंजन आरपीएम दिए हुए हैं। अगर बात करें सिलेंडर्स की, तो आपको तीनों ही ट्रैक्टर में तीन सिलेंडर के टर्बोचार्ज इंजन मिलते हैं। किसान भाइयों, अगर बात करें इंजन कैपेसिटी की, तो जॉन डियर के अंदर 2900 सीसी का इंजन मिलता है, जो कि टर्बोचार्ज है, और मेसी के अंदर भी 2700 सीसी का इंजन मिलता है, जो कि टर्बोचार्ज है। अगर बात करें न्यू हॉलैंड की, तो इसके अंदर 2931 सीसी का इंजन मिलता है, जो कि टर्बोचार्ज है। किसान भाइयों, अगर बात कर ले फ्यूल इंजेक्शन पंप की, तो जॉन डियर के अंदर इनलाइन पंप मिलता है, वहीं मेसी और न्यू हॉलैंड के अंदर रोटरी फ्यूल पंप दिया हुआ है। अगर बात करें कूलिंग सिस्टम की, तो तीनों ही ट्रैक्टर कूलेंट वाटर कूल्ड इंजन के साथ दिए हुए हैं। अगर हम बात करें इनके एयर फिल्टर की, तो तीनों ही ट्रैक्टर में नए जमाने के ट्राई टाइप और ड्यूल एलिमेंट एयर फिल्टर मिलते हैं। किसान भाइयों, अगर बात कर लें इनके टॉर्क और बैकअप टॉर्क की, तो जॉन डियर के अंदर आपको 213 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है, वहीं 38% का बैकअप टॉर्क इसके अंदर दिया हुआ है। अगर बात करें मेसी फर्ग्यूसन की, तो इसके अंदर 257 न्यूटन मीटर का टॉर्क और 45% का बैकअप टॉर्क उपलब्ध है। किसान भाइयों, न्यू हॉलैंड की बात करें, तो इसके अंदर लगभग 215 न्यूटन मीटर का टॉर्क और 26% का बैकअप टॉर्क उपलब्ध है। किसान भाइयों, अब बात कर लेते हैं आने वाले गियरबॉक्स यानी कि ट्रांसमिशन सिस्टम की। तो जॉन डियर के अंदर 12 फॉरवर्ड और 4 रिवर्स वाला कोला शिफ्ट गियरबॉक्स मिलता है, वहीं मेसी के अंदर 8 फॉरवर्ड 2 रिवर्स और 8 फॉरवर्ड 8 रिवर्स का ऑप्शन है। इसमें आपको कॉन्फिमेस टाइप का गियरबॉक्स उपलब्ध है। अगर बात करें न्यू हॉलैंड 3630 स्पेशल एडिशन की, तो इसके अंदर 12 फॉरवर्ड 3 रिवर्स पार्शियली सिंक्रोमेस गियरबॉक्स उपलब्ध है। किसान भाइयों, अगर बात करें क्लच की, तो जॉन डियर के अंदर डबल क्लच मिलता है और मेसी के अंदर ड्यूल क्लच मिलता है और न्यू हॉलैंड के अंदर डबल क्लच मिलता है। किसान भाइयों, डबल क्लच और ड्यूल क्लच में मेन फर्क यह होता है कि डबल क्लच के अंदर पीटीओ के लिए अलग से क्लच लीवर दिया हुआ है और ड्यूल क्लच के अंदर एक ही पेडल में दोनों क्लच रहते हैं। किसान भाइयों, अब बात कर लेते हैं इनके रोड स्पीड की। तो आपको जॉन डियर के अंदर आगे की स्पीड 31.5 kmph की मिलती है, वहीं इसकी रिवर्स स्पीड 22.1 kmph की दी हुई है। अगर बात करें मेसी फर्ग्यूसन की, तो इसके अंदर आगे की स्पीड 31.3 kmph की
मिलती है, वहीं इसकी रिवर्स स्पीड 16 km/h की है। अगर बात करें न्यू होलैंड की तो इसके अंदर आगे की मैक्सिमम स्पीड 31.6 km/h की मिलती है, वहीं इसकी रिवर्स स्पीड 14.8 km/h की है। किसान भाइयों अब बात कर लेते हैं आने वाले हाइड्रोलिक सिस्टम की, तो आपको जॉन डियर के अंदर 2000 किलो की लिफ्टिंग कैपेसिटी वाली हाइड्रोलिक मिलती है जो कि ADDC टाइप की है। किसान भाइयों अगर बात करें मैसिव फर्ग्यूसन की तो इसके अंदर भी 2050 किलोग्राम की लिफ्टिंग कैपेसिटी मिलती है जो कि ADDC टाइप की है। अगर बात करें न्यू होलैंड की तो इसके अंदर 1700 से 2000 किलो तक की लिफ्टिंग कैपेसिटी का ऑप्शन है, यानी कि 1700 किलोग्राम की लिफ्टिंग कैपेसिटी भी ले सकते हैं और 2000 किलोग्राम की लिफ्टिंग कैपेसिटी का भी ऑप्शन है। किसान भाइयों इसके अंदर भी ADDC टाइप की हाइड्रोलिक उपलब्ध है। अगर बात करें ब्रेकिंग सिस्टम और स्टेयरिंग की तो आपको तीनों ही ट्रैक्टर के अंदर ऑयल में डूबे हुए ब्रेक्स मिल जाते हैं और पावर स्टेयरिंग का ऑप्शन तीनों ही ट्रैक्टर में उपलब्ध है। किसान भाइयों बात करें अगर जॉन डियर की तो इसके अंदर जो ब्रेक्स है वो सेल्फ एडजस्ट हैं, जिसको आपको बार बार एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। तो चलिए किसान भाइयों अब बात कर लेते हैं आने वाले टायर साइज ऑप्शंस की, तो आपको जॉन डियर के अंदर आगे के टायर 6/50/20 के मिलते हैं और पिछले टायर 16/9/28 के मिलते हैं। अगर बात करें मेसी की तो इसके अंदर आगे के टायर 7/50/16 के और पिछले टायर 16/9/28 के मिलते हैं। अगर बात करें न्यू होलैंड की तो आगे के टायर 7/50/16 के और पिछले टायर 16/9/28 के उपलब्ध हैं। किसान भाइयों बात करते हैं पावर टेक ऑफ यानी कि इनके आने वाले PTO सिस्टम की। किसान भाइयों अगर बात करें जॉन डियर की तो इसके अंदर 540 RPM स्टैंडर्ड PTO मिलती है, उसी के साथ इसके अंदर 540 इकोनॉमी PTO या फिर रिवर्स PTO लेने का ऑप्शन है। अगर बात करें मेसी फर्ग्यूसन 9500 स्मार्ट की तो इसके अंदर 540 RPM स्टैंडर्ड PTO मिलती है, उसी के साथ रिवर्स PTO, ग्राउंड स्पीड PTO और मल्टी स्पीड PTO जैसे ऑप्शन है। अगर बात करें न्यू होलैंड की तो इसके अंदर 540 RPM स्टैंडर्ड PTO मिलती है, उसी के साथ इसके अंदर रिवर्स PTO और ग्राउंड स्पीड PTO का ऑप्शन है। किसान भाइयों बात कर लें इनके PTO HP की तो आपको जॉन डियर के अंदर 49.5 यानी कि 49.5 HP की PTO मिलती है, वहीं मेसी के अंदर 55 HP की PTO मिलती है। वहीं बात करें न्यू होलैंड की तो इसके अंदर 51 HP की PTO उपलब्ध है। किसान भाइयों अब बात कर लेते हैं इन ट्रैक्टर्स के कीमत की, तो आपको जॉन डियर 53-10 गियर प्रो 8 लाख से लेकर 9 लाख के बीच में मिल जाता है, वहीं मेसी फर्ग्यूसन 9500 स्मार्ट 8,10,000 से 9,10,000 के बीच में उपलब्ध हो जाता है। किसान भाइयों न्यू होलैंड 36 स्पेशल एडिशन की बात की जाए तो इसके अंदर 7,80,000 से 8,80,000 के बीच में कीमत देखने को मिल जाती है। किसान भाइयों कीमतों में बदलाव हो सकता है अलग अलग राज्य और डीलर के अनुसार। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आने वाले वीडियोस की जानकारी के लिए नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, किसान भाइयों में शेयर करें।